जय हिंद दोस्तों, चलते चलते में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज 11 जुलाई है और जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि आज से फिर 18 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और इससे कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं। और दोस्तों, चलते चलते में मैं इस वक्त हूँ मीरा भाईंदर रोड पर और एक ऑडियो के बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं कि कल से एक ऑडियो मैसेज जो मीरा भाईंदर की MLA गीता जैन है उनके नाम से वायरल हो रहा है। प्यार दोस्तों, सभी नागरिक कृपया ध्यान दें, केंद्र सरकार ने हर एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए 1.5 लाख रुपए खर्च के तौर पर महानगर पालिका और नगर पालिका को जाहिर किया है। इसलिए महानगर पालिका और नगर पालिका, प्राइवेट डॉक्टर, टेस्टिंग लैब, सभी को मिलकर पॉजिटिव केस ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपलब्ध हो इस बात पर ध्यान देते हैं। इसलिए सर्दी, जुकाम, बुखार आदि होने पर पॉजिटिव बताकर उन्हें ज़बरदस्ती एडमिट भी कर देते हैं और जैसे ही उन्हें 1.5 लाख का अप्रूवल मिल जाता है वो सर्दी भी ठीक हो जाता है और यह कहकर घर वापस भेज देते हैं। इनका गोरख धंधा बंद करने का एक ही उपाय है, डॉक्टर्स के पास या टेस्टिंग लैब में जाना बंद कीजिए। अगर सर्दी, जुकाम या बुखार हो तो घर पर ही घरेलू उपचार करें, इन दरिंदों के शिकार मत ना बने। उस ऑडियो मैसेज में जो मैसेज दिया गया है कोरोना से संबंधित पॉजिटिव और निगेटिव केस के बारे में दिया गया है और उसमें साफ साफ ऑडियो में ये कहा गया है कि अगर किसी को सर्दी, बुखार, खांसी ये सब कुछ हो तो आप जो है डॉक्टर से कंसल्ट बिल्कुल ना करें, आप अपने घर में जो है काढ़ा पिए, ये किए करें, क्योंकि अगर टेस्ट कराने जाते हैं तो कहीं ना कहीं धंधा बना लिया गया है और बिजनेस के हिसाब से जो है लोगों को लूटा। लेकिन अगर दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि ये सारे ऑडियो तो वायरल हो रहे हैं और वो फर्स्ट नज़र में ही वो ऑडियो फेक नज़र आता है, फेक वायरल आता है। जिन लोगों ने भी गीता जैन को सुना होगा तो उनकी आवाज़ वो मैच नहीं करती है और इस बारे में जब हमने गीता जैन जी से बात की तो उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही चिंता का विषय है, कल रात से मैं बहुत परेशान हूँ, हजारों कॉल मेरे पास आ चुके हैं और मेरी परेशानी की वजह ये है कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है वो जो लोग हमें जानते हैं, जिन लोगों ने हमें सुना है उनको तो फेक लगेगा, लेकिन अगर जिन लोगों ने इन सारी हमें मिले नहीं हैं, हमें जानते नहीं हैं तो उनको रियल लगेगा। और अगर कल इस ऑडियो की वजह से अगर कोई डॉक्टर के पास उसको कोई बीमारी होती है, कोई ऐसा समझो सही माने में उसको कोरोना पॉजिटिव होता है और उसके सिम्टम्स हैं और उसके बावजूद वो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को कंसल्ट नहीं करता है, नहीं जाता है, उनसे मिलने नहीं जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं उस जो पेशेंट होगा, जो मरीज होगा और हमारी इस ऑडियो को सुन करके अगर कोई इस चीज़ को अवॉइड करता है तो कहीं ना कहीं उसकी जान का भी खतरा है। तो उन्होंने कहा कि राजनीति अपनी जगह पे है, ऐसे टाइम पे राजनीति, इस तरह से राजनीति आम जनता के जिंदगी के साथ खिलवाड़ करके राजनीति नहीं करनी चाहिए लोगों को। उनसे जहाँ तक हमारी बात हुई फ़ोन पे तो उन्होंने ये कहा। और दोस्तों, ये थोड़ी सी बात अगर आप अगर सिटी हेडलाइंस अपने माध्यम से लोगों को कहना चाहेगा तो ये जरूर कहूंगा मैं कि कम से कम ऐसे कोई मैसेज आप, भले ही राजनीतिक द्वेष है, राजनीति अपनी अपनी जगह पे है, आप राजनीति में जो है एक दूसरे पे टीका टिप्पणी होती है, एक दूसरे के पे लांछन लगते, लेकिन आप राजनीति के लिए किसी ऐसे चीज का इस्तेमाल, ऐसे मैसेज का इस्तेमाल ना कीजिए जिससे आम जनता की जिंदगी खतरे में हो जाए। क्योंकि इस ऑडियो को सुनकर के अगर किसी एक ने भी इस चीज को अवॉइड किया कि उसको कोई सिम्टम है, उसके बावजूद अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है तो कहीं ना कहीं उसके जान के साथ खिलवाड़ होगा। तो ऐसी राजनीति करके क्या मतलब है कि आप राजनीति में अपने ही लोगों को बलि का बकरा बना रहे हो? जो लोग भी राजनीति कर रहे होंगे या जिस वजह से भी या कोई दुश्मन भी होगा, तो अगर इस तरह की अगर ऑडियो क्लिप वायरल होती है तो इससे दोस्तों सीधा सीधा इसका असर आम जनता पे पड़ता है, उन जनता पे, उन भोले भाले जनता पे जिनका इन सब से कुछ लेना देना नहीं है, और अगर वो इसके शिकार बनते हैं तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। नमस्कार, मैं गीता भरत जैन आप सबसे ये निवेदन करने हाजिर हुई हूँ कि कल रात से जो ऑडियो क्लिप मेरे नाम से घूम रहा है वो बिल्कुल फेक है, गलत है। ऐसी कोई भी ऑडियो रिलीज मेरी तरफ से जारी नहीं की गई है। मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगी कि सरकार की तरफ से जो निर्देश समय समय पर बाहर आते हैं जनता के हित के लिए, उसका सख्ती से पालन करें। इस ऑडियो क्लिप की मैंने साइबर क्राइम में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है और बहुत जल्दी ये किसकी हरकत है वो बाहर आ जाएगा। आप सभी से निवेदन करती हूँ
कि आगे भी अगर ऐसे कोई क्लिप या फोटो वायरल होते हैं तो मुझसे संपर्क करें और उसकी सच्चाई जानने का प्रयत्न करें। आप सभी की दुआओं से, प्रार्थना से मैं अब स्वस्थ हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों की सेवा के लिए हाजिर हो जाऊंगी। पर तब तक आप सभी स्वस्थ रहे ऐसे मंगल कामना करती हूँ। अपने आप को स्वस्थ रखें, सेफ रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। चूंकि ये ऑडियो वायरल हो रहा था और इसकी सत्यता क्या है ये हमें भी जाननी थी कि और क्योंकि हम लोग हमेशा उनका इंटरव्यू करते रहते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स के लीडर्स वगैरह से मिलते रहते, उनकी बातचीत सुनते रहते हैं, तो ये पहली नज़र में ही ये फेक ऑडियो लग रहा था। लेकिन क्या होता है ना कि जो लोग उनसे मिलते नहीं हैं, उनके पास आते जाते नहीं हैं, बातचीत नहीं करते हैं, तो उनको तो ये ऑडियो ओरिजिनल ही लगेगा। और तो मेरे कहने का मतलब यही है, सिटी हेडलाइंस की जो है ये अपील है कि आप जो है इस तरह के कोई भी ऑडियो अगर वायरल होता है तो उस पर ध्यान ना दें, और उस पर ध्यान ना दें, उसकी सत्यता जाने बगैर जो है उस पर अमल भी ना करें। और जहाँ तक मुझे याद है कि गीता जैन हमेशा कोई वीडियो जारी करती हैं, अगर उनको ऐसा कुछ वीडियो जारी भी करना रहता है तो वीडियो जारी करती हैं, ऑडियो ना के बराबर वो जारी करती हैं। तो ये एक खिलवाड़ है और इससे लोगों को बचना चाहिए। और मैं फिर से एक बार उन लोगों को भी ये ज़रूर कहना चाहूँगा जो लोग इस तरह की जो है किसी का छवि ख़राब करने के लिए या किसी के इसको करने के लिए अगर इंसान की जान दांव पे लगा के अगर इस तरह का कोई हरकत करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हर मामले में गलत है। राजनीति में एक दूसरे पे लांछन लगाने की एक सीमा होती है, लेकिन अगर किसी की जान के साथ खेल करके एक दूसरे पे लांछन लगाया जाए तो ये किसी भी तरह से सही नहीं माना जाएगा। इसको मैं भी सही नहीं मानता हूँ और जो लोग सुनेंगे वो भी सही नहीं मानेंगे। तो इसकी एक अपनी हद होनी चाहिए, इसकी एक अपनी सीमा होनी चाहिए। कम से कम राजनीति लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करके तो नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, चलते चलते मैं आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।